आज लगातार यहाँ पे कंप्लेन मिल रही कि गार्डन में, मैं गार्डन आया हूँ, यहाँ पे जिस प्रकार की हरकतें हैं मोहल्ले वालों ने मुझे बताया है, और ये हरकत है कि यहाँ पे लड़के लड़कियों का जोड़ा है। आज इसमें छापा मारने आया हूँ, देख रहा हूँ अश्लील हरकत कर रहे हैं कुछ लड़के लड़कियाँ। इसको जो है ये सब देखने को मिल रहा है, सब एक अड्डा बना के रखे हैं इन लोग। इधर कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो आप लोग? हैं? अच्छा, तो ये क्या है, अड्डा है क्या है, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? टाइम बिताने आए थे मतलब? बातचीत करने के लिए घर नहीं है क्या? ओयो बंद करवा दिया मतलब? ओयो बंद करवा दिया तो यहाँ रहोगे क्या? आज टाइम पास ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी के घर के सामने जो है टाइम पास करोगे? अरे गार्डन है तो क्या है, ओयो बंद करवा दिया मतलब? ओयो बंद होता तो क्या होता है? चलिए आप लोग चलिए, इस तरह से कहीं रहना नहीं है। कहाँ रहते हो? कहाँ? ये कौन है? वीडियो तो मत बनाओ। ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है भैया। गर्लफ्रेंड है तो यहाँ क्या कर रहे हो मैदान में? भैया आप ही तो सब बंद करवा के रखे हुए हो, इधर उधर जाने में आपसे डर लगता है भैया, कहीं पर भी जाने। भैया वीडियो मत बनाना भैया। ठीक है, वीडियो नहीं बनाएगा, इधर मेरी बात का जवाब दो। जी भैया। ये बता तू, जवाब दो पहले कि ये सब क्या है भैया। आप कहाँ बात कर रहे हैं भैया, आप तो बताओ, पार्क तो कम से कम छोड़ दो भैया हमारे लिए बात करने के लिए। अरे पार्क तो लोगों का घर है, लोगों का घर है, और इस तरह से अगर तुम लोग किसी के घर के सामने, क्या बंद करवा दिया हूँ भैया? हमारे लिए तो वही खुलवा दो कम से कम, वही भी आपके नाम से डरते हैं, दारू पीने के लिए भी कहीं डरते हैं भैया, आप दोस्त यार हमारे साथ घूमने के लिए डरते हैं, और क्या बताऊँ। अरे तो भैया गलत काम करोगे शहर में, गलत काम करोगे तो गलत तो होगा। गलत हम करते ही नहीं है भैया। तो ये गलत है कि नहीं किसी के घर के सामने? एक फ्रेंड से मिलने के लिए भैया, हाँ जो हमारी रिस्पेक्ट करती है, उनसे मिलने के लिए कहीं पर आने के लिए भैया बंद कर दो थोड़ा सा। हाँ बताओ बताओ। उनसे हम लोग मिलने के लिए आने के लिए हमको भैया कम से कम प्राइवेट प्लेस में तो आना पड़ेगा भैया। तो ओयो बंद कर देंगे तो क्या होगा, ओयो खोल देंगे तो क्या होगा भैया? प्राइवेट प्लेस है ना, हम लोग अपना आधार कार्ड दे के हम लोग खुद प्राइवेट दे के जाएंगे ना भैया। यानी ओयो को बंद करने से तकलीफ हो गया तुमको? जी भैया तकलीफ हो गई ना भैया। तो ये सब, ये गार्डन वार्डन में अच्छा लगता है तुम लोग को बताओ? या नहीं, हम कोई अच्छा नहीं लगता। कोई बहु बेटी देखेगी तो अच्छा लगेगा? हम लोग अच्छा नहीं लगता। हाँ इसकी भी दर्द तो भैया मैं जान रहा हूँ ना, लड़की की दर्द क्या है भैया? बालिक है लड़की? हाँ भैया बालिक है। लेकिन बेटा इस तरह से गार्डन वार्डन में मत कहो, ठीक है ना? बात करने के लिए बस आते हैं भैया। नहीं बात भी मत कहो, चलिए आप लोग चलिए। 6 महीने मिलते हैं भैया। 6 महीने में नहीं, अब कभी नहीं मिला। चलिए आप लोग चलिए आप लोग। बड़ा मुश्किल है, ओयो बंद करवा दिए बोलते हैं। कैंपोन में क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये घूमने तो वॉकिंग करो ना भाई, एक जगह बैठ के ऐसे संदिग्ध स्थिति में दिख रहे हो। तो हर जगह बंद कर दिए हो सर, तो हम लोग कहाँ घूमेंगे? मेरे को पहचानते हो? जी हाँ। कौन हूँ मैं? विकेश सेन हूँ। आप विकेश सेन हूँ ना, विधायक हूँ ना? हाँ। तो आप लोग को ये संदिग्ध जगह में, इतने भावी दोपहरी में 45 डिग्री लू चल रहा है, घर में सोना चाहिए, अपने घर में पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, तो ये इतने दोपहर को क्या कर रहे हो यहाँ पे? भैया हम लोग कहाँ जाएंगे भैया, आप तो आ जाते हो भैया, पुलिस से डर नहीं जितना आप आ जाते हो भैया। तो अरे तो विधायक बनाऊँ तो पुलिस का भी काम करना है और प्रशासन का भी काम करना है। नॉर्मली बात करने के लिए यहीं पर रुके थे और कुछ नहीं था भैया हम लोग का। आपका दिक्कत है सर? अरे मेरा दिक्कत मतलब, मेरे को तो भाई, मेरे को जिम्मेदारी मिला है, जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं तो काम करूँगा ना भैया। आपका तो काम दूसरा ना भैया, आप लोग तो कपल्स को परेशान कर रहे हो भैया। कपल्स को परेशान का मतलब, आप लोग शहर में गलत व्यवस्था फैलाएंगे, आपको देख के आजकल के लड़के लड़कियों का आचरण गलत होगा, ऐसे संदिग्ध मुंह बांध के यहाँ पे खड़े हो, 45 डिग्री लू चल रहा है, अच्छा लगता है मेरे को बताओ? नहीं भैया, तो हम लोग कुछ, हम लोग यहीं पे बस बात करने के लिए ही बैठे थे। नहीं नहीं बात नहीं करना है, बात करने के लिए आप लोग का घर है वहाँ चले जाइए,
नहीं तो आप यहाँ से चेंज करके दूसरे जगह चले जाइए। आज के बाद हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, हम लोग फैक्टर साइड चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? मैत्री गार्डन। मैत्री गार्डन, तो मैत्री गार्डन भी जाओगे भाई, तो वहाँ पे मिलना क्यों तुम लोगों को? अपना घर टाइम स्पेंड करने के लिए। अरे कहाँ जाएंगे, क्या भविष्य बनाओ ना अपना, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। ये क्या होता है प्यार मोहब्बत? ये तो चलते आ रहा है। क्या चलते आ रहा है, क्या प्यार मोहब्बत चलते आ रहा है? वो तो चलते आ रहा है, कहाँ लगाएंगे हम लोग? अरे ये कोई कौन सी बात हुई, ये अभी की बात थोड़ी ना, ये तो कितने सालों से चल रही आ रही है। यानी आप बोल रहे हो कि मैं प्यार मोहब्बत कर रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, आपका ये कहना है? अरे देखो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। ये इसको टारगेट बना के चलोगे कि बरसों से प्यार मोहब्बत होते आया है तो अभी भी करना है, और ऐसे आप लोग ऐसे करोगे तो कई बार पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कई बार प्रशासन आएगा, मोहल्ले वाले, अभी कंप्लेन आया कि यहाँ पे बहुत सारे जोड़े बैठे हुए हैं, लोग आप लोग से त्रस्त हो गए हैं। क्या है, लोगों की बहू बेटियाँ हैं, सब शाम को वॉक करती है यहाँ पे, और आप लोग लगातार बैठते हैं, तो बेटा आप लोग से निवेदन है, इसको आप लोग जो है अपने अपने घर जाइए और अच्छे वातावरण में रहिए, पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए, नौकरी कीजिए, ठीक है ना? आज के बाद इस क्षेत्र में मत देखना, आपके क्षेत्र में आज के बाद नहीं आएंगे, ठीक है? हम लोग कहीं और चले जाएंगे। हाँ कहीं और चले जाओ, लेकिन यहाँ मत आना, ठीक है ना? और अपना कैरियर बनाओ, फोकस करो कैरियर पे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। चलो चलो, कुछ हो कुछ हो, चलिए गाड़ी ले जाओ, जाइए, चलिए जा रहे, चलिए। ये तुम्हारा पेंट कैसे फट गया? ये हाँ? ये फटा नहीं है भैया, ये तो लिया था मैं रेडीमेड। ये क्या फैशन है क्या? जी भैया फैशन है ना। अच्छा, ट्रेंड में चल रहा है ना भी आजकल। चलिए ठीक है, आप तो मेरे को सुनो, बाइक चला रहे हो तो कहीं छपरी टाइप मत चलाना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। लड़की में को नाबालिग लग रही है, हाइट कम है उसका, ठीक है बेटा? तुम बालिक हो, नाबालिग तो नहीं हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? ठीक है चलो चले जाइए, चलिए आप लोग भी चलिए, साहब चलिए, चलिए यहाँ से, चलिए चलिए यहाँ से, चलिए खाली कीजिए यहाँ से, चलिए 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 चलिए। आज मैं नेहरू नगर, अगर आप नेहरू नगर चौक से सुपेला चौक की ओर जाएंगे तो लेफ्ट साइड 3 गार्डन नगर निगम ने बनवाए हैं, जहाँ पे मुझे लगातार सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे जो कपल्स हैं, जो लड़के और लड़की हैं, बहुत संदिग्ध अवस्था में यहाँ पे बैठे रहते हैं भारी मात्रा में। यहाँ के जो हमारे जितने मकान बने नेहरू नगर में, यहाँ की बहू बेटियाँ, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पे वॉक नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऐसे लड़के और लड़कियाँ बैठे रहते थे जिसको देख के शर्म आके जो है वो घर वाले जो अंदर चले जाते थे। तो मुझे आज सूचना मिली तो मैंने आज छापा मारा, कम से कम 4 से 6 कपल्स मुझे यहाँ पे, 45 डिग्री धूप है, लू चल रही है, ऐसे स्थिति में यहाँ पे बैठे थे और अश्लील हरकत कर रहे थे। मेरा मकसद उनको बेनकाब करना नहीं है, मेरा मकसद है कि उनको मैं समझाइश दूँ कि आज के बाद इस गार्डन में ना हो। कुछ लोगों ने मुझे जवाब दिया कि आपने वो बंद करवा दिया है इसलिए हमको सड़क पे आना पड़ रहा है, तो ये कोई बात नहीं होती, ये कोई कारण नहीं होता है। उनको उनके कैरियर के लिए, उनके भविष्य के लिए मैंने समझाइश दी है और सभी को यहाँ से विदा किया है। आज के बाद जो भी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर कहीं पर भी मुझे कहीं भी दिखाई दिया कि किसी भी गार्डन में कोई भी लड़के और लड़की अश्लील हरकत कर रहे हैं, तो अभी तो मैं समझाइश दे के छोड़ा हूँ, क्योंकि अभी प्रशासन, पुलिस प्रशासन मेरे साथ नहीं रह सकता, आचार संहिता है। आचार संहिता के बाद धरपकड़ चालू होगा और लैला मजनू स्क्वाड बनेगा और भारी मात्रा में जो है जो भी पकड़ाएगा उनके मम्मी पापा को जो है थाने में बुला के सीधी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आज की कार्रवाई के बाद ये बंद हो गया, अब मैं लगातार सभी गार्डनों में मैं ऐसे ही चाक चौबंद तरीके से मैं निरीक्षण करते रहूँगा। कहीं पर भी अगर आपको भी दिखता है तो आप तत्काल सूचित करें मुझे, किसी के भी माध्यम से सूचित करें, फ़ोन से करें, फेसबुक मैसेंजर से करें, तत्काल मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। लेकिन मैं अपने विधानसभा को सिर्फ सड़क और नाली बना देना ही विकास नहीं होता है, अपराध से मुक्त करना है और ऐसी अश्लील हरकत मेरे विधानसभा में ना हो, इसका भी मुझे संज्ञान लेना है। देखिए, भिलाई का नाम जो है शिक्षाधानी और खेलधानी के नाम से जाना जाता है, और जो ये भिलाई को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, स्वच्छ और सुंदर सिर्फ कचरा हटा देने से नहीं होता, ऐसे असामाजिक लोग
इनको हटाना बड़ा आवश्यक है, इसलिए मैं कार्रवाई के लिए आज निकला हूँ। आप सबका मुझे साथ चाहिए, तभी सबका विकास होगा, वो भी सबके प्रयास से।